क्योंकि गांव से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती उसको आईना दिखा देते हैं बेटा चलो निकलो यहां से ये बात टैलेंट की नहीं टैलेंट कोई चीज नहीं होती अगर कोई चीज होती है तो सिर्फ एक चीज होती है वो होती है जोश अगर जोश अगर है आपको काम करने का टैलेंट चल के आएगा आपके गया सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि हम सब लोग यहां पर आए हैं हार्डवर्क कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जल्दी से बताइए क्यों करते हैं हम लोग हार्डवर्क क्या पाने के लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है मेजर परेशानी, मेजर परेशानी परेशानी होता है क्या है हम इंडियस बड़े शाही हम कभी नहीं कहेंगे हमें पैसे कमाने हैं हम कभी नहीं कहेंगे हमें नाम कमाना है आपकी बात बिल्कुल सही है हम यहां पर आए हैं नाम कमाने के लिए अच्छी बढ़िया जिंदगी जीने के लिए शोहरत के लिए और इसमें कोई गलत नहीं है कोई गलत नहीं है अगर यह पैसा आप नहीं कमाओगे तो फिर गलत लोग कमाएंगे इसीलिए आप लोग कमाओ तो ज्यादा बेहतर है अब मैं एक कहानी सुनाता हूं इस बच्चे की बड़ी अच्छी कहानी है इस बच्चे ने पहली मशीन जो देखी अपनी लाइफ में वो एक लूना थी जब इसके टीचर गांव में गए पढ़ाने तो लूना देखी बड़ा खुश हो गया लूना देखे उसको पास जाके देखने लगा कि लूना कैसी होती है तभी टीचर पीछे से आए उन्हें लगा कि शायद मेरी लूना खराब कर रहा है यह लड़का उन्होंने उस जमाने में नीम की छंटी चला करती थी धनाधन दन बच्चे की पिटाई होना शुरू हो गई तो ये बच्चा भागा नहीं बल्कि उस वक्त टीचर से पढ़ा के कहा कि सर मारो मत मुझे एक दिन बड़ा होकर मैं भी लूना लूंगा यह उसका ड्रीम था गाँव में रहने वाले लड़के का जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना हो बिजली ना हो सड़कें ना हो लेकिन उसने एक ड्रीम पाला कि मैं एक बड़ी लूना लूंगा और फिर धीमे धीमे किसी ने कहा कि ये लड़का पढ़ने में थोड़ा ठीक है इसको शहर ले जाओ शहर में पहली बार उसने जाके जो है ए फॉर एप्पल सीखा जब वो छठी क्लास में आया पढ़ते पढ़ते ग्यारहवीं बारहवीं हिंदी मीडियम से विशुद्ध हिंदी भाषी से पढ़ते पढ़ते ट्वेल्थ पास कर लिया इसने आप ही की तरह आप तो भी बहुत बेहतर स्कूल से पढ़ रहे हो ये तो बहुत ही जो ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बैठने के लिए बेंच कुर्सी भी नहीं होती वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो फोटोग्राफर उससे देख सकते हैं कि इसकी माली हालत क्या रही होगी कैसी पढ़ाई की होगी इसने जो किताबें वताबें रखी हुई हैं ये उसका एक ही पिक्चर उस ज़माने में पिक्चर नहीं हुआ करते थे तो एक ही पिक्चर मिला उसके बाद ये गया दिल्ली कि बारहवीं के बाद जहाँ जिस टाउन में ये पढ़ता था उस टाउन में बी करने का कोई कॉलेज नहीं था तो दिल्ली में घूमने लगा कि मुझे कोई फॉर्म दे दे ताकि मैं एडमिशन ले लूँ बी करने के लिए वहाँ पर एक कॉलेज है वहाँ पर हंसराज कॉलेज वहाँ पर ये अंदर गया और बोला काउंटर से कि सर मुझे फॉर्म चाहिए बी करने के लिए तो काउंटर वाले ने ऐसे देखा जैसे कोई जंगल का प्राणी आ गया हो उसके सामने बोला कहाँ से आए हो बेटा उसने बोला यूपी से आए हैं तो वो काउंटर वाला उठ के बाहर निकल आया मतलब कुछ पूछा ही नहीं उठ के बाहर निकल आया मार्क्स भी नहीं पूछे उससे कितने तेरे मार्क्स हैं और कहा कि बेटा ऐसा करो कि सामने रोड पे 323 नंबर की गाड़ी है वो आईएसबीटी जाती है पांच रुपए निकाले ये पैसे पकड़ो और वापस चले जाओ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फॉर्म तक उसको नहीं दिया इतना ह्यूमिलेट हुआ उस वक्त कि आंखों में आंसू भर के वो बच्चा बैठ गया आईएसबीटी वापस क्योंकि गांव से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती उसको आईना दिखा देते हैं बेटा चलो निकलो यहां से लेकिन ये डिटरमाइंड था इसने बोला मैं हार नहीं मानूंगा मेहनत की कड़ी मेहनत की इसने कहीं पे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला लेकिन दिल्ली घूमने से आगरा घूमने से आसपास घूमने से इसको ये पता चल गया कि आईटी की तैयारी भी होती है इंजीनियरिंग की तैयारी भी होती है किताबें बिताबें फोटोकॉपी करा करू के किसी तरीके से इसने अपनी तैयारी व्यारी शुरू की एंड देन ऑल द एक्म टाइम्स ही गॉट इन टू आई टी गॉट इंटर्की एंड उसके बाद एक इसने ठीक ठाक करियर बनाया और आज की डेट में ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मेरी अपनी कहानी है अब लोग ये कहते हैं मेरे से कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है

टैलेंट स्किल सेट नॉलेज स्पोकन इंग्लिश सब कुछ आएगा आपके पीछे जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का उस पर कोई कसर नहीं करनी चाहिए आपको सिर्फ सिर्फ एक ही चीज पालिए अपने अंदर अगर पालनी है वो आग पाल लिए आग को पालना सीखिए अपने आप को तपाना सीखिए उसके अंदर सफलता सक्सेस नौकरी कोई चीज नहीं है सब चल चल कर पीछे आएंगे आपके पीछे मेरी बात का यकीन करिए मैंने करके देखा जब मैं रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पर एक वर्ड सामने आया कि कैस सक्सेस बड़ी सक्सेस तो हम तो हिंदी भाषी थे तो समझ नहीं पाते थे इसका मतलब क्या इतना समझ गए इसका मतलब कुछ बड़ा होता है तो कभी एग्ज़ाम अच्छा होता था लड़के चिल्लाते हुए आते थे आज के कैस एग्जाम हो गया कि फोड़ दिया हमने कभी कभी हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाता था हम भी बोलते थे फोड़ दिया हमने के कैस कर दिया लेकिन इसका मीनिंग समझ में नहीं आया फिर अभी दो चार साल पांच साल पहले मैंने इस शब्द को बड़े ध्यान से देखा कि कैश का मतलब क्या होता है आप ध्यान से देखो इसको और फिर याद करो आठवीं नवी में जो संधि विक्षेद पढ़ाए जाते थे तब समझ में आया कि इसका मीनिंग कि कैस क्या होता है और आप यकीन करिए कोई भी बड़ी सफलता कोई भी बड़ा नाम आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक कि कैश ना होगा आपके साथ जब तक आपका मौकरी नहीं हो रही है जब तक आपका ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा है जब तक कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है आप यकीन मानिए आप कुछ खास कर भी नहीं रहे अगर आप कुछ खास करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा था। 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 और इसी में शामिल होता है फेलियर िएशन डिप्रेशन ड्रग्स एक बार फेल हो गए डिप्रेशन में चले गए ड्रग्स लेना शुरू कर दिया मेरा सीधा सा प्रश्न यह है एक जिंदगी है सिर्फ एक जिंदगी है आपके पास और उसको आप डिप्रेस होकर जीना चाहते हैं और तो आप जिए, कोई आपको रोकेगा नहीं आके लेकिन चॉइस वो हमेशा आपकी होगी कि हमें वो जिंदगी कैसे जीनी है डिप्रेशन में जीनी है या खुश होकर जीनी है जिंदगी का सामना करके जीनी है मेरा जो बीस इक्कीस साल का पुलिस में अनुभव रहा और पूरा जिंदगी का अनुभव रहा इधर उधर पढ़ाई लिखाई का जो अनुभव रहा मैंने यही सीखा कि सक्सेस का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सही है कि जब तक आपको फेलियर्स नहीं होंगे तब तक आप बड़े सफल नहीं होंगे आपको सब लोग सिखाते हैं बेटा ये करो तो आपको हम सक्सेस uh, की टिप्स मिलेंगी बहुत सारी बुक्स होती है ना कि हाउ टू बिकम हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सेट्रा मेरा बहुत मन किया कि मैं एक किताब लिखूं जिंदगी के लिए अब आप लोग कहोगे यार ये तो जोश में बुलाया था ये तो निराश करने आगे बंदा हमको फेल होने की टिप्स दिखा रहा है आप यकीन मानिए यकीन मानिए पास होने से ज्यादा फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में और मैं बताता हूं मैं बताता हूं मैं बताता हूं सिमिलरली एक और मिथ है हमारे बच्चों के बीच में कि जिसके ए प्लस मार्क्स आ रहे हैं नाइनटी नाइन परसेंट मार्क्स आ रहे हैं बस वही अच्छा करेंगे लाइफ में ये एक मिथ है ये एक मिथ है अगर मैं पूछूं कोई से दस नाम बता दीजिए तो अभी आप फटाफट बता देंगे दस नाम देखिए बहुत ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ही बनोगे मालिक तो वही बनता है ध्यान रखिएगा आप यकीन मानिए मेरे ख्याल से मैंने ज्यादातर चीजें कर रखी हैं और उसके बाद कह रहा हूं आपसे कि ये आपको रोजी रोटी तो दिला सकते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं ये रोजी रोटी का जुगाड़ तो सही है लेकिन सक्सेसफुल लाइफ नहीं और अब हमारा देश अब हमारा देश और हम उस स्थिति में नहीं है कि हम रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ें लड़ाई लड़नी है एक्सेलेंस के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ बनना है तो ये सक्सेस फॉर्मूला नहीं हो सकते और अगर इन फॉर्मूला से अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भाई नहीं हो पाएगा अब मैं आपको बताता हूं क्यों 1500 सक्सेसफुल लोगों की एक एक स्टडी हुई थी यूएस में उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के 1500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट उठाया और उसमें यह था कि आ, कि उनका बैंक में कितना बैलेंस है लाइफ का बैलेंस कितना है हेल्दी लाइफ है नहीं ब्ला ब्ला, ब्ला और करियर में कितना ग्रोथ किया है और उन पंद्रह लोगों को उन्होंने प्लॉट किया उनके एकेडमिक स्कोर के साथ कि इनका एकेडमिक स्कोर कितना था 1500 सक्सेसफुल लोग जो बहुत सफलतम लोग थे 1500, उनका सक्सेस एक तरफ था और उनकी एकेडमिक स्कोर का क्या था यह दिखा रहा हूं तो उसका रिजल्ट लोग ऐसे थे जो 99 नाइन वाले लोग कैटेगरी के, के लोग थे बाकी सब बी सी डी माइनस थे भाई साहब इसीलिए अगर आपके ग्रेड बी और सी आ रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, नाइन्टी सिक्स परसेंट है अब मैं बताता हूं फेलियर्स क्यों जरूरी है लाइफ में एक थ्रू आउट टॉपर बंदा कार्तिक राजा रमन आप इंटरनेट करके देखिएगा, इतना ब्रिलियंट बंदा आईटी टी से पढ़ा वहां भी टॉपर उसके बाद उसने एमबीए किया वहां भी बहुत अच्छा काम किया वॉल स्ट्रीट जहाँ पे फाइनेंस के गीक लोग बैठते हैं फाइनेंस के विद्वान लोग बैठते हैं वहाँ पे इसने काम किया बहुत पैसा कमाया हम सब लोग जानते हैं 2007 में एक रिसेशन आया था उस रिसेशन में इसका काफी पैसा डूबा और उसके बाद जो रिजल्ट था वो ये था कि इस बंदे ने इसके परिवार में पाँच लोग थे और एक एक करके अपनी माँ अपने दोनों बच्चे अपनी वाइफ और खुद को सबको गोली मार दी शॉट ऑल ऑफ दिम सबको मार दिया और लेटर लिखा आम मेरे पास पैसा नहीं है मैं बर्बाद हो चुका हूं जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि उसके अकाउंट में वन मिलियन डॉलर्स तब भी पड़े थे जब वो लिख रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी वन मिलियन डॉलर्स पड़े थे एंड उसने एक बहुत ही दर्दनाक स्टेप उठाया अब सोचिए कि वन मिलियन डॉलर दैट उसका मतलब हुआ छः सात करोड़ अगर हमारे अकाउंट में पड़े हो तो हम नौकरी करेंगे <laughs> कारण क्या था ये, इसका, इसका करने का क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला फेलियर था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी आपको फेल जरूर करेगी लाइफ में होता है क्या है ये जिंदगी ऐसी चीज होती है आपको फेल करके मानेगी तो बेहतर है कि आप यंग हो अभी गलतियां करो सीखो फेल हो फिर से सीखो फेल हो फिर से सीखो फेल होना फेल होना इज एन ऑप्शन फेल होना ऑप्शन है गिविंग गे, अप करना ऑप्शन नहीं हम छोड़ नहीं सकते उस चीज को हम पीछे लगे रहेंगे जब तक कि वो हमारी चीज पूरी ना हो जाए फेल होना कोई बुरी बात नहीं है बचपन से सिखाते आए हम लोगों को सक्सेस और फेलियर उल्टे उल्टे होते हैं एक तरफ सक्सेस चलती है तुम फेलियर हो ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है आप मेरी बात को यकीन करें दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कोई भी बड़ी सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक उसमें असफलताओं की सीरीज नहीं होती बार बार फेल होकर पास हुआ जाता है इसीलिए फेल होने से मेरे मित्रों कभी मत डरना कभी मत डरना कभी मत डरना प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपनी जब बड़े महान लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो अपने फेलियर्स को छुपा जाते हैं उसमें सिर्फ सफलता बताते हैं हकीकत यह है किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ सफलता मिली हो सफलता और असफलता सैंडविच हैं, साथ साथ चलती हैं। अगर आप असफल नहीं हो रहे तो सफल भी नहीं होंगे इसीलिए असफल होने से मत डरिए फेल एक्सेप्टेबल है कोई दिक्कत नहीं है फेल होने में गिविंग नॉट एक्सेप्टेबल छोड़ना नहीं है हर हालत में ये काम करना है टू थाउजेंड नाइन में खेलते समय मुझे चोट लगी और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको बैकवो में इंजरी हुई है स्लिप डिस्क हुआ है तो इसीलिए अब आप जो है एक्सरसाइज बंद कर दीजिए जिम विम तो बिल्कुल भूल जाइए पांच किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाइए वरना आपको बहुत नुकसान होगा एक साल मैंने उसकी बात मानी लेकिन बाद में लगा कि पूरा शरीर का जो है हिसाब किताब सब गड़बड़ हुआ जा रहा है आ, काम करने में भी मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर मैंने सोचा क्या करूं इसको लेके डॉक्टर तो मना कर रहे हैं आई कंसिल अदर डॉक्टर्स बाकी डॉक्टरों से मैंने बात की फिटनेस ट्रेनर से बात की करते 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 फाइनली मैं एक साल के बाद दोबारा से जिम पहुंचा दोबारा से वर्कआउट करना शुरू किया डिस्पाइट दोज इंजरीज इंजरी मुझे आज भी है लेकिन मैं आज 100 के से बेंच प्रेस करता हूं जिम के अंदर जाके गिवअप नहीं करना है कभी भी आखिरी में दो जू गिव अप नेवर ग्रो अप। ये करते करते जो यंग बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जिम में एक डेढ़ घंटे दो घंटे अपने अपने जो हमारे रेगुलस हमारे शेड्यूल होते हैं फिर भी टाइम निकालते हैं अगर आपके अंदर जुनून है ना मुझे करना है तो वो काम होता है वो काम हो जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता ये मैं पक्का यकीन दिलाता हूं और मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूं ये सब कर सकते हैं अब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए सो नेवर गिव अप उन्नीस साल की भी नहीं थी तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ मुझे शादी नहीं करनी नहीं कहते फिर क्या करना है आगे तो हमने पढ़ाना नहीं कुछ ऐसी ऐसी बातें होती थी तो उस टाइम मैंने फिर घर छोड़ दिया हमारे टाइम में लड़कियाँ जो थी घर से बाहर ही निकलती थी और मतलब तो ये ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ